हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं गांव में हूँ, तो आज गांव में एक बर्थडे पार्टी है। सुबह से तो मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई, पर अभी शाम को मैंने सोचा कि आपको बर्थडे पार्टी भी दिखाती हूँ और बताती हूँ किसका बर्थडे। आपको ये तो याद ही होगा कि भागु भैया कौन है। भागु भैया है जो यहाँ पे हमारे केयर टेकर है, हमारे बाग बगीचों का ध्यान रखते हैं। तो जो उनका बेटा है उसका नाम आशु है और आज उसका बर्थडे है। तो पता है क्या, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। 3 महीने पहले ना, जब मैं गांव आई थी, तो मैंने क्या कहा था इन बच्चों से कि अगर ना तुम गाय का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए ना पक्का कुछ गिफ्ट लेके आऊंगी। तो इनको ना उस टाइम पे साइकिल चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं बर्थडे गिफ्ट पे साइकिल ले चलूँ। तो मैंने उस टाइम 3 महीने पहले इसको प्रॉमिस किया था, अगर तुम गाय का ढंग से ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेके आऊंगी। और इन्होंने सच में बहुत अच्छे से गाय का ध्यान रखा। और बड़ी बात क्या है ना कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। और ऑफ कोर्स इसका बर्थडे, तो मैंने सोचा था कि इसके लिए साइकिल ले जाऊंगी। तो अभी हम नीचे जाएंगे उनके घर पे, थोड़ा सेलिब्रेशंस होगा और उसके बाद मैं उसको वो साइकिल गिफ्ट करूंगी। तो मम्मी पापा भी जाने के लिए तैयार है, पापा फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं और मम्मी रेडी हो गए। तो उतनी देर हम मम्मी से मिलते हैं। चले मम्मी, मेरी शैडो कैसी दिख रही है ना जैसे। ठीक है, चलते तो है ना, पर एक ध्यान रखना बेटा, जब देगी ना तो मतलब सिर्फ उसको नहीं बोलना, आशु को, कि आशु तेरी साइकिल है, दोनों को जिसका बर्थडे उसको बोलूंगी ना। नहीं 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 क्यों? पता क्या, दोनों बराबर के ना फिर बच्चे लड़ते रहते हैं ना, मेरे को पता है कि तुम जैसे खुद लड़ते थे ना, एक को चीज दी दूसरे। मतलब जो भागु भैया ना, उनके 3 बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बेटा है, नहीं एक बेटी है, 2 बेटे हैं। तो जो बेटे हैं ना वो सेम सेम एज के हैं, इसलिए मम्मी को खतरा हो गया कि वो कहीं लड़ाई ना करे। मुझे पता है ना कि तुम्हारे लिए कोई अगर ये काम, हम कब लड़ते थे, बहुत लड़ते थे, है ना, क्यों नहीं लड़ते। हाँ, तो जहाँ लड़ाई होती है प्यार भी वही होता है। तो क्यों, उससे क्या तो मैं इनकार नहीं कर रही ना, लेकिन है ना। चल पापा को भी बोलो जल्दी आने को, फिर चलते हैं नीचे, वो लोग वेट कर रहे होंगे। मैं देखती हूँ पापा किससे बात कर रहे हैं, चलो ऊपर चलते हैं। पापा लाइट ही नहीं ऑन ही रखी, पापा चलो, पापा चलो ना, चलो चलो जितने फोन आ गए ऊपर आई अंदर की बार क्या वो भाग बोले ना। हाँ। सच्ची से होगी, सच्ची से होगी। वाह मम्मी, आपकी 2 रुपए की एक्टिंग में काम आई। हमने इनको झूठ बोला कि हम सो गए। उठा ये देख, ये बदलने ये सब पकड़ी वो पापा को पता ही नहीं कि वीडियो ऑन है। ये है बर्थडे बॉय का गिफ्ट। मम्मी रुक जाओ, आपसे भी बढ़िया ये, मेरे से बड़ी कोई नहीं। भारी है थोड़ी, तो लाइट ही तो ऑफ की नहीं ने। ओ यहां तो भैया को कर दो, बस कम है लेकिन हैप्पी बर्थडे। वाह ओ शाबाश शाबाश, ना बड़ो 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 बड़ो। मेरे को तो लग रहा था, मैंने कहा इसका सचिन का बर्थडे है, ब्रो ना जी आशु का है। मैंने कहा की बात है, उसकी तो एंट्री बड़ी उससे हुई है, थोड़ी ढोल सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग और भी फुला रहा है। ओ अच्छा सरप्राइजिंग है, काफी मजबूर किया गया था, काफी देर तक मार पिटाई होने के बाद इसको आजाद। ये लगा दो मैंने इसमें, तेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। कितने साल का हो गया? मुझे नहीं मम्मी पापा को खिला पहले, खा ले खा ले। मम्मी पापा को कहाँ गए तेरे पापा, इधर आओ। हाल बढ़िया। Birthday to you, happy birthday to you. वैसे गिफ्ट इसका है, मम्मी मेरे को ऊपर समझा रहे थे कि एक सचिन का है वैसे। ओ भाई मम्मी को यही खतरा था, लड़ेंगे अभी ये दोनों। मैं बोल रही हूँ कि दोनों के नहीं, तो बाद में बोलेगा ये तो मेरी थी, ये तो झगड़े निपटाने। मैं
किसी को भी स्माइल। अभी बर्थडे बॉय और उसके फ्रेंड्स को उठाया गया है कि थोड़ा डांस किया जाए। अब बारी आई गर्ल्स की, तो इनकी टीम लीडर तो मैं ही हूँ, तो फिर मैंने सबसे पहले डांस करना शुरू कर दिया था। और फिर करते करते सबकी बारी आई, मम्मी पापा को भी डांस करवाया और फिर हम लोग निकल गए थे और इनकी पार्टी चलती रही। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल रात को हमने खूब मस्ती करी, काफी नाच गाना भी हुआ और जिस रूम पे वो सब कुछ हो रहा था ना, उसी रूम के ऊपर मेरा रूम है और वो देर रात तक लगे हुए थे और सारा शोर मुझे सुन रहा था। एनीवेज, बट मुझे कुछ अच्छी नींद भी नहीं आई उस करके, उनको पूछती हूँ अभी नीचे जाके। पर उससे पहले मैंने सोचा था कि मैगी बनाती हूँ और मैंने जल्दी जल्दी में पैकेट खोल के डाल दिया इसमें और फिर मुझे पता चलता है मैगी नहीं चाउमिन था, इसलिए फिर मैंने फ्रिज में खोल के देखा तो उसमें सब्जियां नहीं थी, एक शिमला मिर्च थी। तो मम्मी कहती रुक जा मैं खेत से जाके लेके आती हूँ, तो वो अभी मम्मी खेत में जा रहे हैं और ताजी ताजी बंद गोभी लेके आएंगे, फिर वो डालूंगी मैं और बनाऊंगी चाउमिन। यार इस पे नूडल्स तो लिखा था बट मुझे लगा साथ में कुछ मसाला होगा और इजिली बन जाएगी, बट मेरे साथ पोपट हो गया। मेरे पास जो सामान था शिमला मिर्च प्याज उन सबकी मैंने शॉपिंग कर दी, अब इंतजार मैं मम्मी का कर रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, शायद थोड़ा दूर है, तब तक मैं अपने बाल भी लेती हूँ और अपना हुलिया भी थोड़ा सुधार लेती हूँ। अपना ऑलमोस्ट फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और जब फेस्टिव सीजन होता है हम सब चाहते हैं हम सुंदर दिखे, अच्छे दिखे, हमारा फेस ग्लो करे, तो उसके लिए तैयारी थोड़ी पहले से ही करनी होती है, जैसे कि मैंने कर दी है। मैंने ममार्थ की उपटन रेंज यूज करना शुरू कर दिया है और फिलहाल मैं लगाने वाली हूँ ममार्थ का उपटन फेस सीरम, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारी स्किन को 24 आवर्स के लिए हाइड्रेट रखता है और एक नेचुरल सा ग्लो दे देता है हमारी स्किन को। ये सन डैमेज को भी रिपेयर करता है एंड इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसके इंग्रेडिएंट्स है टर्मरिक, सैफ्रन, नाइसिनामाइड एंड सोयाबीन ऑयल विच इज रिच इन विटामिन ई एंड डीपली नरिशेज आवर स्किन। ये सीरम ना बहुत लाइट आता है स्किन पे, इसके बाद आप मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। इस उपटन रेंज में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे फेस वॉश है और इनका एक न्यू लॉन्च भी हुआ है अभी उपटन रेंज में, वो है उपटन क्लेंजिंग मिल्क, जो हमारे मेकअप को डर्ट को रिमूव करने में काफी हेल्पफुल है। ये तो रही ममार्थ के प्रोडक्ट्स के गुडनेस की बात, अगर हम ममार्थ की वैल्यूज के बारे में बात करें ना, उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसमें जब भी हम mamaearth.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो हमारे ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं और इतना ही नहीं 2025 तक वो एम कर रहे हैं 1 million ट्रीज को प्लांट करने का। और हाँ, mamaearth ना एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब कि जितना वो प्लास्टिक यूज भी नहीं करते उससे कहीं ज्यादा वो रिसाइकिल करते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगी, आप इन्हें वहां से चेक कर सकते हैं। वैसे ये प्रोडक्ट्स Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और अगर आप इसे mamaearth.in से लेते हैं या फिर mamaearth की ऑफिशियल ऐप से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज jyotika2021 तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। मुझे लगता है मम्मी भी आ गए हैं तो चलो चलते हैं किचन की तरफ। तो छोटू जलाई हूं। हाँ, बस मुझे चाहिए भी थोड़ा सा ही था, फिर वेस्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है चलो, अब फटाफट से बनाते हैं चाउमिन। ये होममेड नूडल्स और ये व्यू, वो भी मेरी फेवरेट विंडो से। ओ माय गॉड, क्या बताऊँ आपको, मुझे कितना मजा आ रहा है। अब मैंने सोचा कि आपको आज का दिखाती हूँ कि साइकिल जोड़ी है कि नहीं जोड़ी है, अभी तो आई डोंट थिंक सो उन्होंने जोड़ी होगी, इसलिए मैं अपने साथ ये सब कुछ लेके जा रही हूँ। तो चलते हैं नीचे उनके घर की तरफ। तो मेरे साथ साथ आ गए हैं मम्मी भी। मैं अपना नींबू का पौधा दिखाती हूँ। अभी मम्मी ने नींबू का पौधा लगाया है, जब से मम्मी घर रहने लगे हैं ना, मम्मी बहुत सारी सब्जियां भी उगा रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें उगा रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं। हाँ, थोड़े प्लांट्स भी लगा रहे हैं। तो फिर मम्मी अभी मुझे वो भी दिखा रहे हैं, कहते हैं कि तुझे चलते चलते दिखाऊंगी, उनको दिखाती हूँ मैं आपको। कितने सुंदर सुंदर नींबू लगे, चल पड़े हैं हम मिशन साइकिल पे। हाँ जी, क्या हो रहा है? हेलो नैना दीदी। हेलो हेलो। ओ बस बस बस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ, कितनी बेटियां भरी आज? मैंने हाँ जी नहीं है, ये तो 26 की। अच्छा, सच बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है? 21 बेटियां। बेटियां तो मैंने की बात, मम्मी इसकी भोली सूरत पे नहीं जाना है, ये बहुत लपेटता है। नहीं देखती मैं, पापा को पूछ लो जरा कितना झूठ बोल रहा है। 1 2 3 तो सारी मम्मी इसने थोड़ी करी होगी, इसकी शक्ल देखो, शक्ल देखो इसकी। अब 20 पे आ गया, थोड़ी देर में 10 पे आ जाएगा। हाँ निकालो, मैं तुम्हारे लिए
औजार लेके आई हूँ। थोड़ी देर मैंने कोशिश करी कि ये साइकिल जुड़ जाए, मैनुअल पढ़ा, वीडियोस देखी, बट फिर भी मेरी समझ में नहीं आया। और फिर मैंने सोचा मैं रहने देती हूँ और किसी को बुलाती हूँ हेल्प के लिए, क्योंकि ऐसे हमसे तो जुड़नी नहीं है ये। अभी मम्मी भी पूरे कॉन्फिडेंस से आए कि ये बना देंगे साइकिल। बस मम्मी बस आज के लिए काफी बेइज्जती करा दी है, बेइज्जती करा मुझे कर रहा है चुप 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 कर देना कर देना। कहाँ जा रहा है? आजा 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 हाँ 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 कहाँ गया था? घूमे घूमे जा रहा था। हमारे क्या क्या लिखा है इस पे ये बताइए जरा। ये क्या है? AOD इसका मतलब अभिलाष उचर देवत। अच्छा तो तेरा नाम तो लिखा ही नहीं है यार। मोना तेरा नाम भी नहीं है। जैसे ना आपका नाम लिखते हो, रवि दीदी का नाम लिखते हो, रूबी दीदी का लिखते हो, सबसे बड़े तो उनका लिखते हो। अच्छा वैसे तो मेरा नाम है क्योंकि सबसे बड़ी मैं हूँ। हाँ सबसे बड़ी मैं, लेकिन तू भागी रहती है ना इसलिए। लेकिन भगोड़े का कोई नहीं होता है, भगोड़े काम करता है। अब देख इसने आज खाद भी डाली, तूने डाली गई तो खेत मैं सेव तोड़ने गई थी। मेहनत की कमाई खा रही है। काफी मेहनत और कोशिश करने के बाद जब हमसे कुछ नहीं हुआ तो हमको बुलाना पड़ा हेल्प के लिए लोगों को, और ये अब प्रॉपर इसको फटाफट से ठीक कर देंगे। आशु अपने आपको देख के शर्मा आई आशु चलानी। इन बच्चों की फरमाइश तो साइकिल थी, बट इन दोनों को अभी साइकिल चलानी नहीं आती। सचिन तो इनफैक्ट साइकिल तक पहुंचता भी नहीं है। कितनी बार गिरा? 10 बार। कितना अच्छा लग रहा है देख के कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सिखा रहा है। टच वुड इनका बॉन्ड हमेशा ऐसे ही रहे, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये दोनों प्यार से खेल रहे हैं साइकिल के साथ। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।